Welcome back, class. This is the fourth and the last sum with respect to your practice set number 38. और इसके अंदर बेटा आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है. No doubt हर वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन ही पूछा जाता है, बट इसके अंदर एक अलग ही क्वेश्चन है. और वो क्वेश्चन ऐसा है, गवर्नमेंट ने 4000 लोगों को, 4000 पीपल को ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये तीन टाइम का खाना एक महीने तक, 30 डेज तक मिल सके, इसके लिए व्यवस्था की थी. यानी कि 4000 लोग एक महीना भर तक भर पेट खाना खा सकते हैं, इतने ग्रेन्स, गेहूं, चावल, दाल, ब्रेड, बटर, सबकी व्यवस्था गवर्नमेंट ने कर रखी थी. लेकिन 4000 की जगह 6000 लोग आ गए. How many people arrived? 6000 people. तो बेटा एक बात तो कंफर्म है ना, सभी को खाना मिलेगा, किसी को भूखा नहीं सोने दिया जाएगा. अब होगा क्या, क्योंकि खाने वाले लोग ज्यादा हैं, तो जो स्टॉक है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा. करेक्ट, यस और नो? क्योंकि ज्यादा लोग आ गए हैं तो ज्यादा ज्यादा खाना बनेगा, और जब ज्यादा खाना बनाना है तो आपका स्टॉक बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा. तो जब लोगों का नंबर इंक्रीज हो गया तो स्टॉक जो रहेगा उसका नंबर अपने आप डिक्रीज हो जाएगा. करेक्ट, सो सी, आप लिखोगे फोर्थ सम, stock of grains for 4000 people is equals to 30 days. अगर गवर्नमेंट की बात मानते और गवर्नमेंट के हिसाब से चलते तो 4000 लोगों को पूरा एक महीना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर एक महीने तक मिलता. कितने लोगों को? 4000 लोगों को. बट बेटा कितने लोग आ गए? 6000. तो हमारा अगला स्टेटमेंट हो जाएगा, स्टॉक ऑफ ग्रेन्स फॉर 6000 पीपल. 6000 लोगों के लिए कितने दिन में ये सारा राशन खत्म हो जाएगा? वी डोंट नो. और अब आप बेटा खाली थोड़ा सा दिमाग लगाओ और अपने ऊपर ही ले लो, अगर 4000 की जगह 6000 लोग आ गए हैं तो सबके लिए खाना तो बनेगा ही बनेगा. आप उनको ये नहीं बोल सकते कि पहले 4000 ने खाना खा लिया, 2000 पानी पी के भूखे सो जा. नहीं, सबको खाना मिलेगा. तो अब जब 6000 लोगों के लिए खाना बनेगा तो ज्यादा खाना बनाना पड़ेगा, और ज्यादा खाना बनाने के लिए स्टॉक में से ज्यादा ज्यादा सामान निकालेंगे. जब ज्यादा सामान निकलेगा तो सामान बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा. मतलब जो सामान पहले 30 दिन तक चलने वाला था अब वो बहुत जल्द खत्म होने वाला है. कितनी जल्दी मुझे नहीं पता, हम कैलकुलेट करेंगे. सो जब नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज हो गया तो स्टॉक जो है उसके नंबर ऑफ डेज का अपने आप क्या हो जाएगा? नंबर डिक्रीज. तो नाउ वी विल राइट द रीजन. वी विल से व्हेन नंबर ऑफ पीपल इंक्रीजेस the number of days of grains in stock will decrease. Hence it is an example of
इनवर्स वेरिएशन है कि नहीं बेटा? क्या रीजन दिया है? व्हेन नंबर ऑफ पीपल इंक्रीजेस, जब 4000 की जगह 6000 लोगों को खाना खिलाना पड़ेगा तो क्या होगा? द नंबर ऑफ डेज ऑफ ग्रेन्स इन स्टॉक, जो एक महीने का राशन है वो अपने आप बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। सो अब आप इसको सॉल्व करोगे। पहले स्टेटमेंट में है 4000 मल्टीप्लाई बाय 30, 4000 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 6000 मल्टीप्लाई बाय 6000 मल्टीप्लाई बाय एच, कोई भी वेरिएबल है अपनी मर्जी का। फिर अ नंबर मल्टीप्लाइड विद अ वेरिएबल ऑलवेज बिकम्स द डिनोमिनेटर। 4000 मल्टीप्लाई बाय 30 द होल अपॉन 6000 इज इक्वल्स टू एच। यूनिट प्लेस अप जीरो डाउन जीरो, अप जीरो डाउन जीरो, अप जीरो डाउन जीरो, करेक्ट। और आप देखो 3 1 3 2 2 1 2 2 and 0 went up. So correct answer is 20 multiplied by 1 is equals to h. 20 is equals to h. h is equals to 20. मतलब कि जब 6000 लोग regular basis पे lunch, dinner, breakfast सब कुछ खाएंगे तो वो grains जो पहले 30 दिन चलने वाला था बेटा, अब वो 20 दिन में ही खत्म हो जाएगा। वही तो हुआ, नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज हुआ, सो नंबर ऑफ डेज इन स्टॉक ऑफ ग्रेन्स अपने आप क्या हो जाएगा? डिक्रीज। सो आप इसका आंसर लिखोगे, स्टॉक ऑफ ग्रेन्स फॉर 6000 पीपल, स्टॉक ऑफ grains for 6000 people is equals to 20 days, yani ki sirf aur sirf 20 din wo khana kha payenge, aage ka definitely koi intezam ho jayega, need not worry, ye ek word problem tha, koi practical situation nahi thi, fine। So, इसी के साथ बेटा आपका इनवर्स प्रोपोर्शन या वेरिएशन के चार वर्ड प्रॉब्लम्स कंप्लीट हो गए। वर्ड प्रॉब्लम नंबर 1 एंड वर्ड प्रॉब्लम नंबर 3 दो पार्ट में हैं, सो प्लीज कॉपी देम सिंसियरली। अब इसके आगे बेटा पार्टनरशिप है, जो इसी चैप्टर का ही एक हिस्सा है, पार्ट है, सो वो हम अब आने वाले वीडियोस में समझेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।